मैं हूं कपिल जैन और सकल जैन समाज द्वारा 2621वीं समाई की सामूहिक आराधना दादाभाड़ी में हो रहा है। आप सब जानते हैं भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल नानक बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। 3 अप्रैल को दादाभाड़ी में 2621 समाई की सामूहिक आराधना की जा रही है। हमारे साथ में महंत कोचर जी अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे महंत भाई? सकल जैन समाज द्वारा रायपुर शहर में भगवान महावीर के 2621वें जन्म कल्याणक के अवसर पर कार्यक्रम का आरंभ 2621 सामूहिक समाई से किया जा रहा है। यह बड़े गर्व की बात है कि हमारे रायपुर में सभी परंपरा के लोग अपनी अपनी विधि से अपने अपने नियमानुसार सामूहिक समाई लेकर एक साथ 48 मिनट समभाव में रह के भगवान महावीर द्वारा बताए गए श्रेष्ठ तप समाई की आराधना करते हैं। क्या कहेंगे विजय भाई चोपड़ा हमारे साथ में जो है कि सलाहकार हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि रायपुर का भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव जो होता है वो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि आप हमेशा कहते हैं तपेश भाई कि विश्व में अनूठे रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म की आराधना में एक छोटी छोटी विधियों से कर्मों की निर्जरा का मार्ग बताया, मोक्ष भगवान परमात्मा के मार्ग में चलने का मार्ग बताएगा। ये एक ऐसा धर्म है जिसमें छोटी छोटी क्रियाओं से हम परमात्मा के मार्ग पर चल सकते हैं। और एक उसमें से एक है आज समाई का जो ये आयोजन हो रहा है, पूरे संप्रदाय के लोग जो भी दिगंबर श्वेतांबर मंदिर मार्गी तेरापंथी परंपरा के लोग सामूहिक रूप में यह आयोजन कर रहे हैं और 48 मिनट समाई समता भाव में रहकर इस आराधना को पूर्ण करेंगे। एक आज के इस दृश्य को भीड़ को देखकर मुझे प्रसमृति श्री जी महाराज साहब की 2 लाइनें याद आ रही है, आपत्ति के दिन ये बीत जाएंगे जरूर, एक दिन तेरे दरबार में हम सब आएंगे। कोरोना काल में 2 वर्ष जो कोरोना काल का बीता है उस समय हमारे बीच में एक काला शाह सा उभर आया था कि कैसे सब चीज़ हो गए, दुनिया ठहर सी गई है, लेकिन परमात्मा का कृपा हम सब पर इतनी है कि आज हम वापस सामूहिक रूप में क्रिया कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस वर्ष भगवान महावीर का जन कल्याणक हम पूरे धूमधाम से मनाएंगे। पुनः आप सभी को भगवान महावीर जन कल्याणक के लिए शुभकामनाएं, सादर जय जिनेंद्र। क्या कहेंगे मनोज कुठारी जी महासचिव हमारे बीच में? इस सामूहिक समाई के कार्यक्रम में हर व्यक्ति अपनी भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से शुद्ध होने का प्रयास कर रहा है और ये भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव समिति का सौभाग्य है कि इस तरह के सामूहिक कार्यक्रम को करके एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार यहाँ पर हो रहा है जिससे पूरा रायपुर का पूरा जैन समाज आनंदित होगा। बहुत अच्छी बात है कि सकारात्मक ऊर्जा देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, नवकार मंत्र का जाप ये सारे लोग कर रहे हैं। कुछ क्षणों में जब सामूहिक समाई आरंभ की जाएगी विधि के साथ तब माइक भी बंद होगा और जो कैमरे हैं वो सब बंद हो जाएंगे, तो किसी भी प्रकार का कोई संशय ना रहे। अगर आपके पास कोई गाड़ी की चाबी है जिसमें बैटरी छोटी उसे क्या पासपोर्ट जमा कर देंगे। नमो 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 लोहे सब। क्या नाम है सर आपका? क्या विजय माधुर जी क्या कहेंगे? सकल जैन समाज के सभी परंपराओं को सभी संघों को एक साथ जुड़कर एक मंच के नीचे एक छत के नीचे जो सामूहिक समाई करने का निर्णय लिया गया है बहुत ही सराहनीय है। इससे एक याद बात याद आती है कि हम जैनी अपना जैन धर्म
बस इतनी सुंदर सी बात हो, ये इसी तर्ज पे हम सब यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं और भगवान महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर अपने आप कल्याण के लिए एक छोटा सा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं सामूहिक समय के माध्यम से। आप सब सामूहिक क्या है, एनर्जी है यहाँ पर सभी का। धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।